ओके स्टूडेंट, अब हमारे सामने नया क्वेश्चन है। ऐसे हमें आइडेंटिटी से सॉल्व करना है, आइडेंटिटी लगा के। चलिए ठीक है, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, हमारे पास है -2x प्लस 3y प्लस 2z पूरे का होल स्क्वायर। ओके, इसे हमें सॉल्व करना है। चलिए ठीक है, इसमें देखते हैं कौन सी आइडेंटिटी लगती है। इसमें एक आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी प्लस सी पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस टू प्लस महादेव बी टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। ओके, ये हमारी आइडेंटिटी है दोस्तों। इसको हम सॉल्व करेंगे अब इस तरीके से। यहाँ पर हम ए मानेंगे -2x को, b मानेंगे 3y को, और c मानेंगे 2z को, और वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, चलो एक ही जगह रखेंगे -2x पूरे का स्क्वायर प्लस b की जगह रखेंगे 3y पूरे का स्क्वायर प्लस c की जगह रखेंगे 2z पूरे का स्क्वायर। ओके, प्लस यहाँ पर भी वही करना है, 2 इंटू -2x 3y प्लस 2 इंटू 3y इंटू 2z प्लस 2 इंटू 2z -2x। ओके, अब ऐसे हमें सॉल्व करना है सिंपल तरीके से। इसका स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर ये इक्वेशन माइनस में हो जाएगी। 2 × 2 = 4 और 4 × 3 = 12, तो यहाँ 12x और y है, तो x और y। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी माइनस, सभी प्लस में है, तो प्लस 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12, 12 y और z है, y और z यहाँ पर माइनस में आएगा क्योंकि 2 माइनस में। ठीक है, 2 × 2 × 2 ये हो जाएगा 8, साथ में क्या है x और z, तो ये हो गया हमारा आंसर।